ये लो क्या लेके आना। अरे भैया क्या कर दिया ये? मैडम सॉरी मैडम, ठीक हो जाएगा ये, ऐसे को बाद में चावल में रख देते हैं इसे। टॉयलेट पेपर में रैप करके रख दो। अरे कोई नहीं, ऐसे हिला दो ना, शेक शेक, सारा पानी चले जाएगा। अरे हेयर ड्रायर यूज करना। अरे भाई साहब आप ना इसको मेरे को दे दो, मैं तवे पे सेक देता हूँ, ठीक हो जाएगा, सारा पानी उड़ जाएगा इसका। नॉम्बे टॉम्बे सब बेटे था क्या? हाँ जी सब गया, पासवर्ड पासवर्ड सब वो भी था। खत्म शेष, भूल जाओ, आप वापस नहीं आएगा। एजेंट 00 प्लीज मेरी मदद करो। वहाँ भीड़ ज्यादा थी तो इसलिए मैंने तुम्हें यहीं बुला लिया। थैंक यू एजेंट 001, लेकिन मेरा फोन ये खराब हो गया, क्या करूँ, चावल में डाल दूँ? चावल के छोटे छोटे पार्टिकल्स से इसके अंदर चले जाएंगे और ये फोन खराब हो सकता है। अच्छा तो बाहर धूप में सुखा दूँ? ना, उससे इसके अंदर गया हुआ पानी जो है वो मॉइस्चर बन जाएगा और ये फोन खराब हो जाएगा। अच्छा तो हेयर ड्रायर से सुखा दूँ? नहीं, उससे तो और ज्यादा जल्दी इसके अंदर मॉइस्चर बनेगा। अरे यार, अच्छा तो ऐसे ऐसे झटकूं फोन को ताकि पानी निकल जाए? बिल्कुल नहीं, उससे इसके अंदर गया पानी झटकने से और ज्यादा अंदर जाके फोन को जल्दी खराब कर सकता है। अरे यार तो क्या करूं फिर? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, स्टेप 1, सबसे पहले अपने फोन को जल्दी से ऑफ कर दो। स्टेप 2, उसके बाद टिश्यू पेपर से उसको हल्का हल्का प्रेस करके उसका पानी उसके ऊपर जो लगा हुआ है उसे साफ कर दो, उसे रब बिल्कुल ना करो। तीसरा, उसके बाद तुरंत उसको डिसमेंटल कर दो, यानी कि इसके सारे पार्ट्स अलग कर दो जितने हो सकते हैं उतने। फिर 4 दिन के लिए इसको एक रूम टेम्परेचर में रख दो ताकि धीरे धीरे अपने आप उसका पानी सूख जाए। 4 दिन? और हाँ, एक और टिप, सिलिका जेल के पैकेट्स आते हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में। आप अपने फ़ोन को सिलिका जेल के पैकेट्स के साथ रख दो, ये बहुत जल्दी इसके पानी को सोख लेगा और आपका फ़ोन जल्दी सूख सकता है। लेकिन मैं 4 दिन कैसे रहूँगा फ़ोन के बिना? ये 4 दिन तुम्हें फ़ोन के बिना रहना पड़ेगा, और हाँ, भूल कर भी अपने फ़ोन को स्विच ऑन करने की या उसे चार्ज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना, ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उल्टा ठीक होने की बजाय ख़राब हो सकता है। ठीक है, 4 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा ना? देखो मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन अगर आपका फ़ोन IP67 या 68 सर्टिफाइड नहीं है तो पानी में गिरने के बाद कुछ भी हो सकता है। ये IP67 और 68 क्या है? जिन मोबाइल्स को IP67 या IP68 सर्टिफिकेशन मिला होता है वो लगभग 30 मिनट तक 1 से 1.5 मीटर गहरे पानी में डूबने के बाद भी सुरक्षित रह सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में अगर चाहिए तो digit.in पर भी आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आपको अपने फ़ोन की IP सर्टिफिकेशन नहीं मालूम तो सेफ रहो, आप एक काम करो, जो आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करो। अब तुम्हें 4 दिन बाद पता चलेगा कि तुम्हारा फ़ोन चलेगा या नहीं चलेगा। तो अब जल्दी से घर जाओ और जैसा कहा है वैसा करो, तब तक बी पॉजिटिव एंड बेस्ट ऑफ लक। विजय कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चलो अब चलते हैं। सबसे पहले अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ करने के बाद उस पर लगे पानी को टिश्यू पेपर से हल्का हल्का दबाकर साफ कर लें, रब ना करें। उसके बाद उसके जो पार्ट्स अलग हो सकते हैं उन्हें अलग कर दें, जैसे बैटरी या सिम ट्रे। उसके बाद रूम टेम्परेचर में सिलिका जेल के साथ उसे एक डब्बे में बंद करके रख दें और 4 दिन तक ऐसे ही रहने दें, ये बहुत जल्दी इसके पानी को सोख लेगा और आपका फोन जल्दी सूख सकता है। क्या बेटा, अब सब ठीक है ना? हाँ पापा, जो कर सकता था वो तो कर दिया, अब 4 दिन वेट करना पड़ेगा। देखते देखते।
देश को लगा है सदमा। टू गया है एक आम नागरिक का फोन और एर जन्य हुए छे एक्टी सब थेके बड़ो दुर्घटना। ई दुर्घटनालो ई व्यक्ति तन पात ज्ञापकालन्नी पोगोट्टुकुन्न भयनम। फोन ऑन आगुमो इल्लयो एन्नु पोलुम परयान पट्टिल्लेन्नु सांकेतिक विदग्धर इप्पोल परयुन्नु। अदक्कप्पुरम अंत जारो नम्म ओंदु बान पण्णि मारुकट्टेयल्लि मुच्चळविल्लद जग्गळ इरबेके। अरे तुम्हें पता है विजय के फोन के साथ क्या हुआ? क्यों, क्या बात हुई? तो आपको क्या लगता है, क्या गीला फोन सूख जाएगा? गीला फोन सूखेगा या नहीं, लेकिन विजय बहुत परेशान है, फोन ठीक हो जाना चाहिए, वो आप देखो। आपका बेटा इतना परेशान है, आपको कैसा लग रहा है? ये कैसा सवाल पूछ रहा है यार, बंद करो, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे। विजय के फोन का डूबना बन चुका है इस देश का सबसे बड़ा विषय, और सवाल ये है कि 4 दिन बाद ये फोन स्टार्ट होगा या नहीं। विजय का फोन कितना अच्छा था, कितनी अच्छी फोटोज आती थी उससे। इस भोले भाले जग की शकल पे मत जाइए, इसके पीछे छिपा है एक खूनी वैसी दरिंदा। हाँ, इसमें जग का कोई दोष नहीं है, सारा दोष पानी का है। एक मिनट, जग चाइनीज, फोन चाइनीज, और आप भारतीय पानी को कैसे दोष दे सकते हैं? The nation wants to know, why does the government allow jugs without ढक्कन? What started out in a small dhaba in India has captured the world's attention. Tomorrow is the fourth day and the world now waits to see what happens when Vijay finally switches on the phone. चार दिन हो गए यार, फोन तो मैं आज ही करूंगा। एजेंट 001, तेरी कसम। यस 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 यस, फोन ऑन हो गया। थैंक यू एजेंट 001, फाइनली फोन ऑन हो गया। अरे ये क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगा, digit.in/agent001। हाँ यार, सच में आज डूबने से बचा लिया, थैंक यू एजेंट 001। अरे ये क्या, स्वाति का फोन। हेलो, हो गया? हाँ स्वाति, फोन ठीक हो गया। पापा की फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, तुम ही हो जो बचा। स्वाति, हेलो हेलो, फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। सिर्फ 4 दिन दीजिए मुझे भाई और बहनों, विजय का फोन वापस लेकर आएंगे। तो आम आदमी का तो फोन ही सुरक्षित नहीं है, तो बाकी क्या सुरक्षा करेंगे आप बताओ।